गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। SBS के माध्यम से श्रवण करने वाले समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में दो प्रकार की पूजा पद्धति बतलाई गई है। एक है देव पूजा और एक है पितृ पूजा। ऐसे तो शास्त्रों में अनेक पद्धतियां बतलाई गई हैं, किंतु गृहस्थ जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए देव पूजा परम आवश्यक है और उस देव पूजा से पूर्व पितृ पूजा परम आवश्यक है। यदि पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो समझिए कि सभी देवता प्रसन्न हो गए। पितर प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्व देवताः। यदि पितृ देवता प्रसन्न हो जाएं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि समस्त देवता आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। देव पूजा के प्रति हमारे सनातन धर्मावलंबी सदैव तत्पर रहते हैं, किंतु देखा जाता है कि पितृ पूजा के प्रति जितनी तैयारी देव पूजा के लिए है उतनी तैयारी पितृ पूजा के लिए नहीं देखी जाती, और इस कारण से कभी कभी गृहस्थ जीवन में अनेक व्यवधान, अनेक परेशानियां, अनेक प्रकार के दुख दिखाई देते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली प्रेषण्युपस्करः कंडनी चोदकुंभस्य बध्यते यास्तु वाहयन् तासाम क्रमेण सर्वासाम निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः पंचक्लप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणं होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञो तिथिपूजनम्। गृहस्थ जीवन में प्राचीन समय में ऐसे पांच स्थान होते थे जिन स्थानों पर कोई न कोई पाप हो ही जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर जो चूल्हा होता है जिसमें अग्नि जलती और भोजन बनता है, तो वहां कोई न कोई कीटाणुओं की, कोई न कोई जीवों की हत्या हो ही जाती है। प्राचीन समय में चक्की हुआ करती थी, जहां पर लोग पिसान पीसते थे वहां पर भी कई प्रकार के जीवों की हत्या हो जाती थी।
सुरिनाम देश में झाड़ू लगाने की परंपरा तो है ही है, विशेष करके निकेरी में सीक की झाड़ू से जब घर को साफ करते हैं तो अनेक प्रकार के जीवों की हत्या हो जाती है। प्राचीन समय में ऊखल होता था, उसमें धान कूटते थे, वहां पर भी अनेक जीवों की हत्या हो जाती थी। जो जल का पात्र होता है, जिसमें जल को संग्रह किया जाता है, ऐसे स्थान पर भी अनेक जीवों की हत्या हो जाती है। और इसके बाद में वर्तमान के समय में अनेक ऐसी स्थितियां हैं जिन स्थितियों में आकर व्यक्ति अनेक प्रकार से जाने में और अनजाने में पाप कर बैठता है। इन पाप कर्म के द्वारा ही कि गहनो कर्मणा गति ही, जैसा कि गीता में भी कहा है कि कर्म की गति बड़ी गहन होती है, इसके कारण से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। इन दुखों की परिसमाप्ति के लिए हमारे यहां उन पापों की मुक्ति के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिन उपायों के करने से वो जीवन में पाप मुक्त होकर एक सुखी, समृद्ध और आनंद में जीवन व्यतीत कर सकता है। उसमें सर्वप्रथम अध्यापन की बात की गई, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, वेद वेदांग का अध्ययन, पुराण आदि का अध्ययन, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन, इसी का नाम स्वाध्याय है। और इसी स्वाध्याय को जो है ब्रह्म यज्ञ कहा गया। और दूसरा यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ के बाद में आता है पितृ यज्ञस्तु तर्पणम, कि जो पिता के लिए जो यज्ञ किया जाता है, पिता का तात्पर्य है माता पिता, आजा आजी, पर आजा पर आजी, इधर पितृपक्ष के बाद में मातृपक्ष में भी माता के बाद में नाना नानी, पर नाना नानी, वृद्ध पर नाना नानी आदि के श्राद्ध करने के विधान हैं। तो जैसे स्वाध्याय के बाद में जो पितृ यज्ञ है उसमें विशेष करके श्राद्ध तथा तर्पण आदि का वर्णन किया जाता है। इसीलिए हमारे यहां चाहे किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, उस यज्ञ के पूर्व पितृ पूजा करना शास्त्र में अनिवार्य है। पितृ पूजा के प्रति जिसको श्राद्ध कहा जाता है, उस श्राद्ध में श्रद्धा की परम आवश्यकता होती है। श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध शब्द निष्पन्न होता है। वर्तमान समय में श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिसको पितृ पक्ष भी कहते हैं। इस श्राद्ध पक्ष में, इस पितृ पक्ष में प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने पूर्वजों के लिए, जिनके माता पिता नहीं है उन माता पिता के लिए, आजा आजी के लिए, पर आजा पर आजी के लिए, नाना नानी के लिए, पर नाना नानी के लिए, वृद्ध नाना नानी के लिए, इन सभी के लिए श्राद्ध अथवा तर्पण करना चाहिए। नियम तो इस प्रकार से है कि अपने पितरों के लिए पार्वण श्राद्ध विधि विधान से ब्राह्मण के द्वारा कराना चाहिए। यदि कभी ऐसी स्थिति हो कि पितृपक्ष के इस अवसर पर यदि आप पार्वण श्राद्ध कराने के लिए किसी कारण से आप यदि श्राद्ध संपन्न न कर सकें, तब क्या कर सकते हैं, तो जिस तिथि में हमारे पिता
माता, आजा आजी या जो भी पितृ हैं, अपने पंडित के द्वारा इस बात का ज्ञान करें कि कौन सी तिथि में उनकी मृत्यु हुई थी अथवा स्वर्गारोहण हुआ था, वो स्वर्ग की ओर गए थे या अन्य लोक की ओर गए थे, उस तिथि के विषय में उस बात का ज्ञान करें और उस तिथि को ही ब्राह्मण के द्वारा पार्वण श्राद्ध करने का नियम है। और यदि पार्वण श्राद्ध संपन्न न हो सके तो उस तिथि में तर्पण कराकर और ब्राह्मण को भोजन बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ कराना चाहिए। यदि किसी कारण से तर्पण और ब्राह्मण भोजन भी संपन्न न हो पाए तब आप अपने घर के जो कुल गुरु या कुल के जो पंडित जी हैं उनके घर जाकर उनको सीधा प्रदान कर सकते हैं, उनको सीधा जाके दे सकते हैं कि हम अपने पितरों की तृप्ति के लिए आपके लिए सीधा लाए हैं, और इस प्रकार संकल्प सहित को सीधा ब्राह्मण के हाथ में दे देना चाहिए। यदि इसमें भी किसी प्रकार की अव्यवस्था हो जाए तो जैसा उस समय पर बन सके उस प्रकार का कार्य अपने पितरों के निमित्त करना चाहिए। वैसे प्रातः काल देव पूजा के लिए निश्चित है, किंतु मध्यान्ह काल जो है वो पितरों के लिए निश्चित किया गया है। यदि हो सके तो यह सारा श्राद्ध का कार्य मध्यान्ह काल में ही संपन्न कराना चाहिए। कहते हैं कि जिस समय ब्राह्मण को द्वार पर आमंत्रित करते हैं, अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, तो शास्त्रों में बतलाया गया है, गरुड़ पुराण में भी बतलाया गया है और अन्य शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि जैसे ही हम अपने पितरों के श्राद्ध के लिए, पितरों के तर्पण के लिए, पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए हम जैसे ही ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं और पाद प्रक्षालन करते हैं और आसन देते हैं, उसी समय हमारे पितृ देवता उस ब्राह्मण के शरीर पर सूक्ष्म रूप से विराज जाते हैं। अतः हम श्रद्धा और प्रेम के पूर्वक जिस समय ब्राह्मण भोजन या श्राद्ध की प्रक्रिया को पूरा कर रहे होते हैं उस समय हमारे पितर बड़ी प्रसन्नता के साथ वह श्राद्ध में दिए हुए अन्न को वो ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि उनको पितृ पक्ष में अवश्यमेव श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन अथवा सीधा के द्वारा अपने पितरों की तृप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। और जो लोग तर्पण करने में सक्षम है, जिन्हें तर्पण करने का ज्ञान है, तो वो नित्य ही पितृ पक्ष में और तर्पण कर सकते हैं। और यदि पूरे 15 दिन पूरे पक्ष भर ये तर्पण न कर सके तो अपने 3 पीढ़ी तक के निमित्त अगर तिथियों का ज्ञान हो तो उन तिथियों में उन 3 पीढ़ी के लिए तो अवश्य तर्पण अथवा पार्वण श्राद्ध जो बन सके देश काल परिस्थिति के अनुसार वह करना चाहिए। और यदि तिथि का ज्ञान न हो सके कि कौन सी तिथि में हमारे पूर्वजों का निधन हुआ था, तो फिर सर्व पितृ अमावस्या जो अंतिम नवरात्रि के एक दिन पूर्व, इसको कहते हैं सर्व पितृ अमावस्या, जो कि 12 तारीख को अमावस्या आएगी, उस तिथि के दिन सभी पितरों के नाम से श्राद्ध किया जा सकता है।
जीवन में जो पितृ पूजा करते हैं, शास्त्र कहता है कि उनके परिवार में सदैव आनंद की प्राप्ति होती है। केवल देव पूजा किया और पितृ पूजा न किया तो जीवन में अधूरापन रह जाता है, अतः जीवन अपूर्ण रह जाता है। कभी कभी लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि पितृ पक्ष में क्या भगवान की पूजा नहीं कर सकते, तो उसके विषय में हमने यहां के पंडितों से भी, इस देश में क्या चल रहा है उसके विषय में भी पूछा, और भारत के अनुभव के माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं कि जो भगवान घर में जो नित्य पूजा है उस पूजा को नहीं रोकना चाहिए, किंतु कोई विशेष पूजा, बड़ी पूजा, जैसे कथा झंडी आदि जो बड़े आयोजन हैं परिवार को बुलाकर, उन आयोजनों को नहीं करना चाहिए, किंतु जो नित्य पूजा घर में होती है उस पूजा को नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पितृ पूजा के साथ साथ देव पूजन, क्योंकि पितरों को भी देव माना गया है, ये भी पितृ देवता हैं। इन पितृ पूजा में जब आप प्रवेश करें तो जरूर पितृ पूजा के पहले तर्पण के विषय में बताएगा कि पितृ तर्पण से पहले देव तर्पण है, ऋषि तर्पण है, दिव्य मनुष्य तर्पण है, और इसके बाद में फिर जो हमारे प्रमुख नित्य पितृ देवता होते हैं, जो हमारे पितरों के लिए हमारा दिया हुआ भोज्य पदार्थ उन तक पहुंचाते हैं और उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचाते हैं, ऐसे छह जो दिव्य पितृ देवता होते हैं उन देवताओं के लिए भी तिलांजलि आदि देनी चाहिए। वो छह देवता हैं, कव्य बाडनल नाम के एक पितृ देवता हैं, दूसरे यम नाम के पितृ देवता हैं, और तीसरे अर्यमा नाम के पितृ देवता हैं, चौथे अग्निश्वात्ता नाम के पितृ देवता हैं, और पांचवें जो है वो सोमपहा नाम के पितृ देवता हैं, और छठे बरिषद नाम के पितृ देवता हैं। इनको नित्य पितृ देवता कहा जाता है, नित्य पितर कहा जाता है। यह नित्य पितर जो है, इनको जो देवता कहा जाता है, यही देव पितृ देव जो है हमारे पितरों के लिए हमारे द्वारा दुआ दिया हुआ अन्न आदि जल आदि वहां तक पहुंचाते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है हम तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार जीवन में हम सभी को फिर सुख और शांति की प्राप्ति मिलती है। आप प्राय करके ये बात को समझ लेना कि जिन जिन घरों में पितृ पूजा नहीं हो रही है, तो आप अनुमान करना कि उन घरों में किसी न किसी प्रकार से अशांति देखी जा सकती है, किसी न किसी प्रकार से दुख का अनुभव देखा जा सकता है। आप स्वयं अनुभव करना और विचार करना कि क्या कारण है इसके पीछे, तो आपको पता चलेगा कि देव पूजा तो आप बड़ी अच्छी प्रकार से कर रहे हैं, किंतु प्रतिवर्ष आने वाले पितृ पक्ष में आप पितृ पूजा कितने निष्ठा, श्रद्धा और नियम के द्वारा कर रहे हैं। इस बात पर विचार करते हुए मैं सुनने वाले समस्त श्रोतागणों को यह आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग अवश्य ही इस पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने घर के पंडितों के द्वारा इस अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए आप श्राद्ध करें, उन पंडितों के लिए सीधा भोजन इत्यादि करके जो शास्त्र का नियम है उस शास्त्र के नियम को पूरा करें, और अपने को जीवन को कृतकृत्य बनाएं, अपने पितरों को प्रसन्न करें। मैं पूर्व के प्रसंग में बता रहा था कि अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भूतो नेग्योतिथि पूजनम, कि जिस प्रकार से इसको पितृयज्ञ कहा जाता है उसी प्रकार जो देव यज्ञ है वो हवन इत्यादि जो है वो देव यज्ञ होता है, और देवताओं का पूजन उसमें होता है, देवताओं के लिए हवन किया जाता है, उसको कहते हैं
हवन, दैव यज्ञ, और दूसरा होता है भूत यज्ञ, उसको कहते हैं बलि वैश्यदेव, तथा पंचवली आदि के द्वारा जो किया जाता है उसको कहते हैं भूत यज्ञ। और गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि फिर कोई अतिथि यदि द्वार पे आ जाए तो उस अतिथि का सत्कार करना, यह भी हमारे सनातन धर्म की बहुत ही आवश्यक परंपरा है। इस प्रकार इन पांच यज्ञों को सदैव करना चाहिए कि इन पांच यज्ञों में वर्तमान में जो मुख्य जो ध्यान है वो पितृयज्ञ अथवा तर्पण पर और श्राद्ध पर ध्यान देना चाहिए। ये अवसर है जो वर्ष में प्रतिवर्ष आता है और ये लगातार 15 दिन तक इस प्रकार आप पितृ पूजा कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। SBS के माध्यम से मैं समस्त लोगों से पुनः आग्रह करता हूं कि आप प्रेम और श्रद्धा के साथ खूब अपने परिवार की सुख शांति के लिए, और कई बार पित्त जब नाराज होते हैं तो घर में जो व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करती और पता नहीं चलता, कहते हैं कि क्या हो गया, क्या कारण है, और कभी कभी ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिससे सारा परिवार और सारा समाज दुखित हो उठता है। अतः उसके पीछे पितरों की अप्रसन्नता ही कारण होती है। अतः समस्त लोग बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने अपने घर पर पितृ पूजा करें। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।